अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज मैंने अपने बर्ड्स के लिए तैयार करना था सॉफ्ट फूड, तो इसके लिए मैंने एग ब्रेड ले लिया और वेजिटेबल्स और गीला दाना जो है वो मिक्स कर लिया, और एग ब्रेड को मैश करके अच्छी तरह से कर लिया मिक्स। और फिर मैं अपने सॉफ्ट फूड को ले आया बर्ड्स रूम में, और उसके साथ मैंने ऐड किया मोरिंगा पाउडर सॉफ्ट फूड के ऊपर, और साथ फिर कर दिया कैल्शियम के लिए एग शेल पाउडर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, तो कुछ इस तरह से रेडी हो गया सॉफ्ट फूड। और फिर मैंने अपने बर्ड्स को कर दिया सर्व। तो इसके साथ मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ जो मेरे पास इस सॉफ्ट फूड के साथ जो है आ रहे हैं। तो ये पेयर है जी, इसके अंदर जो है आपको 5 बच्चे नज़र आएंगे जो कि माशाल्लाह हेल्दी हैं और अच्छे उनकी ग्रोथ हो रही है। तो ये इनके अपने नहीं है, फोस्टर किए हुए हैं कुछ बच्चे। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको बाकी भी ब्रीड दिखाता हूँ। ये सेल्फ पीसीज हैं जो कि 5 से 6 महीने की एज है, ये भी होम ब्रीड है। तो कुछ ये पेयर्स हैं। अब ये फॉस्टर पेयर है, इसके नीचे माशाल्लाह से 7 बच्चे हैं और बच्चे भी काफ़ी हेल्दी और एक्टिव हैं। तो ये 7 बच्चों को जो है पाल रहा है ये पेयर, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और ये अल्बाइनो और पारब्लू का पेयर है, अभी फीमेल जो है वो एग्स पर बैठी हुई है। तो एक और पेयर है ये मेरे पास, ये कुछ पीसीज हैं जो कि फॉर सेल भी हैं, ये होम ब्रीड की ही हैं, तो अगर किसी को चाहिए तो रब्ता कर सकते हैं। और ये नीचे एक पेयर है, ये भी फॉस्टर पेयर है, तो इसके नीचे भी माशाल्लाह से 7 बच्चे हैं जो कि सेल्फ होने वाले हैं तकरीबन। तो इसमें क्रीमिनो, अल्बाइनो, रेड आई वगैरह, पेस्टलिनो वगैरह बच्चे हैं। तो इसने भी माशाल्लाह से 7 बच्चे जो हैं वो पाल दिए हैं। और उसके साथ साथ बाकी ये पेयर्स ने एग्स वगैरह दिए हुए हैं। ये भी एक ग्रीन फिशर का फॉस्टर पेयर है, इसने भी माशाल्लाह 7 बच्चे पाले हैं जिसमें क्रीमिनो, डकिनोज और अल्बाइनो वगैरह कुछ इनके अपने भी हैं ग्रीन फिशर्स। तो ये सॉफ्ट फूड का जो है ना काफ़ी बेनिफिट होता है ब्रीड के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।